नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। मेरा नाम है मुनीश। मेरा नाम विजेंद्र। और मैं हूँ सुनील। और आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एक फिल्म का ट्रेलर। फिल्म का नाम है द स्काई इज पिंक। इसमें प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, ज़ाहिरा वसीम, रोहित एस जिनका नाम मुझे पता नहीं है, और सोनाली बोस इसकी डायरेक्टर हैं। और इसका ट्रेलर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत लव स्टोरीज देखी हैं, फिल्मी, वन साइडेड, एपिक, लेकिन मेरी फेवरेट लव स्टोरी जो थोड़ी ट्रैजिक भी है, मेरे पैन आउट लूज की है। अचार बना दो। गाना कितना दिल्ली, तो दिल्ली लग रही है ये तो से पहले रहता था। तेरे अलावा मुझे किसे बस कर, मुझे किसे बस कर, मैं पूरी तरह पहनूंगा। ओह ज़रा सामान पर पहनो, पहनो कौन है भाई, पहनना नहीं भाई, शाम तो है। ओह थैंक यू। एक लड़का है ना पहले से, और हर लव स्टोरी की तरह इनकी स्टोरी में ट्रेजेडी लाने वाली विलन मैं हूँ। देखो सर, आप लोगों का अगर हो रहा है तो पढ़ना, मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे बहुत पकाती है तुम्हारे लंग्स के बारे में। तुम्हें जो हुआ है उसे वो सिर्फ लंग डैमेज कहते हैं। सीरियस कंडीशन है, मतलब मैं मरने वाली हूँ। मुझे आयशा के अलावा किसी और के लिए कुछ करना आता ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आयशा के लिए सब कुछ तुम्हें किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ना तो मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करना है, ना किसी और को। तुम बाहर भी जा सकते हो, तुम बाहर भी जा सकते हो। तुम देख पाते थे एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आयशा ठीक हो जाए ना, फिर साथ में बैंक लूटेंगे। मेरा तीसरा भी हो गया, तीन हो गया। मैं भी वही कह रहा था। आईपीएल टीम बनाते, रिकॉर्डिंग बढ़ जाती, पेरेंट्स दोबारा लगे। पैना और मूज की लव स्टोरी हिट हो या फ्लॉप, मुझे इतना बताए कि बेस्ट विलन का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। अच्छा, आप लोगों की एज क्या थी आपने फर्स्ट टाइम किया था? सॉन्ग गिरी थी अभी, ऐसा ही पूछ रही है भाई। सुना रही हूँ। 11 अक्टूबर को आ रही है तो हाँ, बड़ी जल्दी। अरे वॉर भी आ रही है भाई, कब है वो? वो 2 अक्टूबर को आ रही है, बच जाएगी नहीं तो वो रगड़ देती इसको। बाकी यार ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये था ट्रेलर द स्काई इज पिंक। तो कैसा लगा? अच्छा ट्रेलर है और एक फैमिली वाली मूवी है, और सॉन्ग पीछे काफी अच्छा है, सॉन्ग चल रहा था। मैं और मेन चीज क्या है, एक लव, एक यूनिक सी लव स्टोरी दिखाई है कि यानी प्यार हुआ, उसके पापा को पता लग गई चीजें, और वो वाला सीन भाई बहुत अच्छा था। जो कहते हैं, कहते हैं ना सेक्सी चौधरी, वो सीन देखने लायक था भाई। सही है, मतलब कॉमेडी है, कॉमेडी भी है और इमोशनल भी है, रोमांटिक भी है, इमोशनल भी है। और प्रियंका का वो वाला सीन देखा जब वो कहती है कि मैं उसके अलावा मेरे को किसी और का ख्याल रखना ही नहीं आता, जैसे उसने एक्टिंग बाजीराव में करी थी, तो बिल्कुल वही एक्टिंग। तो दोनों की अच्छी है, फरहान अख्तर भी काफी टाइम के बाद आ रहे हैं, लेकिन एक्टिंग उन्होंने भाग मिल्खा भाग में ही अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा दिया। रॉक ऑन में भी अच्छी एक्टिंग थी। और प्रियंका चोपड़ा तो चलो वो वर्सेटाइल एक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह के रोल किए हुए हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो
और बहुत सारे लोग हम खुद उनके फैन हैं तो, और ज़ायरा वसीम है, ज़ायरा वसीम दंगल के बाद उसने जो सीक्रेट सुपरस्टार है वो वाली जो अपना रखा था, मतलब दबदबा वो एक्टिंग का अभी भी रखा हुआ है। और इसके अलावा लड़का जो था उसका उतना रोल नहीं है, पूरी फैमिली की मूवी है। पहले मेरा ख्याल है पूरी उनके पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद वो फौरन चले जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है जब लड़की बीमार हो जाती है तो, और ट्रू स्टोरी पे ये बेस्ड है तो देखना बनता है उन लोगों पे क्या बीती होगी जिनकी ये सच में स्टोरी है, और देखना होगा कि एंड में वो बचती है या नहीं बचती है, ये कैसे फैमिली निकल के बाहर आती है उससे, कितना स्ट्रगल करा है उन्होंने अपनी लाइफ में, यानी बच्ची को बचाने के लिए, यानी पूरी लाइफ अपनी कैसे कैसे स्ट्रगल। और इसके अलावा फिल्म के गाने भी अच्छे होंगे, पहला जो गाना पीछे बज रहा था फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेलर, और उसके बाद भी जो म्यूजिक बज रहा था ला 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 ला, तो वो दोनों ही गाने अच्छे होते हैं। फरहान अख्तर की मूवीज के ज्यादातर गाने अच्छे ही रहे हैं, तो बेसिकली लव स्टोरी है तो ऑब्वियस सी बात है गाने थोड़े से और अच्छे भी होंगे, फैमिली मूवी। और फन करते हुए दिखाया है कि इतना सब होने के बावजूद भी वो कैसे फन करते हैं, और स्टोरी कुछ जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लड़का लड़की हैं, उनको प्यार होता है, उसके बाद शादी के बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का पहले से है, लड़की बाय चांस हो जाती है, उसके बाद उस लड़की को फौरन जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ उतनी सैलरीज नहीं है, उसके बाद वहाँ पे लड़की को लंग कैंसर हो जाता है तो कैसे वो अपने सीमित खर्चे में से निकालते हैं, उसके बाद उनको इन्जॉय करते हुए दिखाया तो शायद वो घूमने जाते होंगे या कुछ करते होंगे, और फाइनल जो है वो तो देख के ही पता चलेगा कि लड़की बचती है या नहीं बचती, और छोटी छोटी मूमेंट्स हैं वो कैप्चर की हुई हैं डायरेक्टर ने। तो अब फिल्म जब आएगी तो बाकी तो उसके बाद पता चलेगा, हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रेलर को देखने के बाद मूवी से, तो आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं, हमें तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर, और आपको क्या लगता है कि कितना बॉक्स ऑफिस पे क्या कितना कलेक्शन कर सकती है ये मूवी। तो दोस्तों और बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो जाए, और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ बैठ के, इस वीडियो को देखें और लाइक जरूर कर दें वीडियो को। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तब तक के लिए बाय।